कितने आदमी परेशान है यार, कमाल का बात है यार, कमाल का बात है यार। भाई उठ के खड़ा हो यार। बस बस बस, वो अंदर और जगह नहीं है भाजी, वो नहीं सच्ची नहीं जगह, पेट दब रहा है भाजी, पेट दब रहा है। ओए हो गया ये भैया, मेरे को ना सारी जिंदगी भूलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सफर मैंने पहली बार जिंदगी में करा। एक तो जनरल के अंदर, सेकेंडली 7 घंटे तक खड़े रहे, और खड़े भी कहाँ पे रहे। राइट नाउ मैं खड़ा हुआ हूँ सब्जी मंडी वाले स्टेशन पे, और यहाँ से मैंने ना टिकट ले ली अपनी जनरल की, हिमाचल एक्सप्रेस। कितने की है? सो मैं जा रहा हूँ दिल्ली से, मेरे को जाना है आनंदपुर साहिब, वहाँ पे होला मल्ला अटेंड करने के लिए। यहाँ से मेरी अभी ना ट्रेन अराउंड 11 बजे के आसपास आएगी और 2 मिनट रुकेगी, और उसके बाद ना हम फटाफट से ना लपक के ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे। आज वाली वीडियो के अंदर आप मेरे साथ सफर करोगे दिल्ली से आनंदपुर साहिब तक का। सो यहाँ से मैंने ना पानी की बोतल और ये बिस्कुट का पैकेट ले लिया, बिकॉज यार आज ना मैंने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है, और मैं ना से दूर से भागता भागता हुआ आ रहा हूँ, और भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा वाली। बट ना मेरे को अभी ना यही समझ में आया कि मैं इसी को ही खा लेता हूँ भाई, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 10:28, और जो मेरी ट्रेन है ना उसने आना है अराउंड 11 बजे के आसपास, और ना बहुत सही है कि मैं टाइम से आ गया हूँ, बिकॉज जो हमारी वाली ट्रेन है ना, ये आती तो नई दिल्ली से है, पर सब्जी मंडी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है, अपने को ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, तो उसके चक्कर से अपने को ना फटाफट से ना ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा। दोनों साइड से ना ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, ये देखो ये ट्रेन आ रही है, और सामने वाले ट्रैक पर भी एक पंजाब वाली साइड से, बेसिकली इधर से ना ज्यादातर पंजाब वाली गाड़ी आती है, तो दूसरी वाली जो गाड़ी है वो यहाँ से आ गई है, देखो भाई साहब। बाकी ये जो ट्रेन आई है ये आई है शताब्दी, ओके अमृतसर शताब्दी आई है ये वाली, बट ये तो यहाँ पे ना रुकेगी नहीं, जो ट्रेन है ना ये सब्जी मंडी नहीं रुकती है, बट आगे जाके ना रुकेगी खाली वाली जगह पे, बट यहाँ नहीं रुकेगी, और अगर ये यहाँ रुके ना तो आधी ट्रेन यहीं खाली हो जाए। और यहाँ पर ये देखो दूसरी ट्रेन भी आ गई है, सो हम पीछे हो जाते हैं। जम्मू तवी भाई, ये वाली भी ट्रेन ना फुल भरी हुई है, लोग भाई साहब बाहर बाहर लटकते हुए जा रहे हैं, भैया मेरा पता नहीं क्या हाल होने वाला है, इसको देख के ना डर लग रहा है भाई। अरे डब्बे से ना लोग बाहर लटके हुए हैं, ओ भाई साहब बुरा हाल होगा जबरदस्त वाला, तो देखते हैं आज रात अपनी कैसी निकलेगी। और ये ट्रेन ना यहाँ पर बिल्कुल भी रुकी नहीं, ये भी चलेगी और वो सामने वाली भी चलेगी। बाकी जो मेरी वाली ट्रेन है ना वो है हिमाचल एक्सप्रेस, और 11 बजे यहाँ पर आ जाती है, और 2 मिनट यहाँ पर रुक के ना उसके बाद हमें आगे ले जाएगी, और कल सुबह एक अप्रॉक्सीमेटली 5:30 या 6:45 बजे के आसपास ना मैं अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। सो मैंने कहा ये भी नॉलेज आपको ना थोड़ी सी दे देते हैं। बाकी आज वाले व्लॉग के अंदर ना मैंने आपका वेलकम नहीं किया, सो आपका एक बार वेलकम भी कर देते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और अभी अभी ना मैंने एक चीज और नोटिस करी कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, बेसिकली इसके बीच में एक सिंगल ही ट्रैक है, तो चाहे आप यहाँ से ट्रेन के अंदर घुस जाओ, चाहे आप वहां से घुस जाओ, वो आपकी किस्मत है कि अगर उस साइड से ना अपने को ना दरवाजा खुला हुआ नहीं मिला तो फिर बंदा ना खड़खाता रह जाएगा कि दरवाजा खोल दो मुझे अंदर आना है। अदरवाइज ऑप्शंस दोनों है भाई इस वाले ना स्टेशन पे, कि आप दोनों साइड से एंटर कर सकते हो ट्रेन के अंदर, और यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म पे ना कुछ इस तरीके का माहौल है। वैसे अभी ना पता नहीं, शायद कोई जम्मू वाली ट्रेन आनी है, एक चली गई है, और शायद अभी एक और कोई आनी है, तो शायद ये लोग ना उस पे चले जाएंगे मैक्सिमम लोग, होपफुली। बाकी अगर ये सारे के सारे अपने साथ आनंदपुर साहब गए ना तो वैसे खुशी है, ठीक है, बट रश बहुत हो जाएगा अगर ये सारे के सारे लोग गए, और वैसे भी जो ये ट्रेन है ना पीछे से भरकर आ रही होगी, बट नॉर्मल टाइम पे ना इस ट्रेन के अंदर इतना रश नहीं होता। ट्रेन बिल्कुल ठीक टाइम पे ना आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और ये देखो ये ट्रेन आ गई है, और टाइम भी चेक कर लो, टाइम भी ठीक है, तो गाड़ी बिल्कुल सही टाइम पर आ गई है यार। ट्रेन में भाई साहब फुल रश है, फुल रश है, फुल लोडेड है भैया, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, बट कोई चक्कर नहीं, अपने को भी जगह चाहिए, यहीं से घुसते हैं चलो। तो कुछ ऐसे वाला माहौल है ट्रेन के अंदर, और मैं ट्रेन के अंदर ना घुस गया हूँ, ठीक है, और ये बंदे हमारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है जी, और यहाँ से दिखाऊँ एक बारी आपको, ये देखो। अरे भाई अंदर कहाँ घुसेगा भाई, अरे 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 भाई अंदर जगह किधर है यार, कहाँ जा रहा है यार, अरे जा किधर है यार, वो देखियो यार, वो जगह है नहीं यार, क्या कर रहा है यार, अरे अरे यार, अरे यार क्या हो गया, नहीं जाना, ट्रेन रुकवानी है क्या, ट्रेन रुकवानी है क्या, चेन दबो, चेन चेन दबो। भाई ट्रेन रुकी है नरेला, और यहाँ पे ना फुल हलचल हो गई है, मैंने कहा चलो आपको नजारे दिखाते हैं तेरे बाहर के, वैसे मैं बाहर ज्यादा ना जाना नहीं है, बट यहाँ पे देखो यार फुल ऑन वाला ना अच्छा खासा रश है भाई, खड़े होने की भी जगह नहीं है। अगर आपको कहें अगर पीछे हो जाओ तो हो जाओगी, क्या हो गया, लड़ाई लड़ाई मत करो यार, लड़ाई नहीं करनी यार,
मैं कह रहा हूँ थोड़ा अरेस्ट करो। हाँ एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा यार, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। बाहर है, सबको जाना है। बिल्कुल, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो अमृतसर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, बैठे हुए ये भैया सो गए हैं क्या? उठा दे यार, उठा दे उनको। हेलो भैया, भैया सो मत जाना भाई, बंदा सो रहा है यहाँ पर बैठ के यार। उठ गया। ध्यान रखना यार, सोना जाए यार किधर है भैया। उड़ो सोना जाना। हाँ सोना नहीं है भैया। हेलो गुड मॉर्निंग, सोना नहीं है कहीं, तू सो जाए वहां पर भाई। ये बंदा सवेरे मेनू कहता, सवेरे तो पूछी जा रहा है, कहना भी ट्रेन खाली होगी। मैं क्या हाँ खाली होगी, सो के जाएंगे आराम नाल। सो रहे हैं देखो, आ देखो ये सोने वाला मॉल बनया हुआ है। बाबे बंद कर दे, अंदर जाके भाई चार लगा ले। अरे यार बाबे, यार बाबे गलत काम कर रहे हैं यार तू। बाबे गलत काम कर रहे हैं तू। ये होता है जंगल के अंदर सफर भाई, मतलब धक्का ही धक्का। भाई मेरे को ना यहाँ पे मतलब खड़े होने की जगह मिली हुई है, बट क्या करें और कहीं जगह ही नहीं मिल रही है। पानीपत स्टेशन पे ना गाड़ी रुकी है और बाहर से ना पैसेंजर्स और अंदर ऐड हो रहे हैं, बट यहाँ पे तो भैया जगह ही नहीं है। हम पीछे को जा रहे हैं। हाँ ये देखो भाई साहब, आज तो हालत खराब हो गई। मैं गया भाई पिचक गया, भाई मैं पिचक गया। अंदर और जगह नहीं है भाजी, ओ नहीं सच्ची नहीं जगह, पेट दब रहा है भाजी, पेट दब रहा है। यहाँ पे ना खड़े होने की भी ना बड़ी दिक्कत हो रही है, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब मैं तो इस जगह पर आके खड़ा हो गया बट्टा, एक बार यहाँ का हाल देखो, बहुत बुरे हालात है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और कुछ लोग ना आगे बैठे हुए हैं, तो ये लोग जा रहे हैं उनको उठाने के लिए कि भाई उठ जाओ, और अगर आप उठ जाओगे ना तभी हम आराम से बैठ पाएंगे। क्यों जी? सही कह रहा है, बोले भाई अंदर हो जाओ, दियो दियो जगह दियो। टाइम 2:50 और स्टेशन आ गया अंबाला। भाई यहाँ से ना रश चढ़ेगा, रश मिलेगा यहाँ से बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा 20 से 25 मिनट रुकेगी। बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत बुरे हाल है। बाहर से लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं बट अंदर तो जगह ही नहीं है, और अंदर वाले भैया कहाँ जाएंगे। वैसे भी देखो जब से ट्रेन चली है ना तब से मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ, और यहाँ से देखो भाई साहब फुल रश हुए हुए। जनरल में ट्रैवल करना इजी नहीं है। बाबे उठियो मड़ा यार, कमाल कर बाबे, अगे हो जाने उठाल भाई, उठेगा यार उठेगा। कितने आदमी परेशान है यार, कमाल का बात है यार, भाई उठ के खड़ा हो यार, उठ उठाल उन्हें भी मड़े अगे हो थोड़ा जा, बंदे हो चढ़ने फाइनली हम पहुंच गए हैं अनंतपुर साहिब। और इसी बात पे ना एक बार जयकारा छोड़ते हैं, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और ये रहा अनंतपुर साहिब का स्टेशन, बाकी इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टेशन से बाहर निकल के बताता हूँ, ठीक है? ओ भाई, भाई साहब खतरनाक रश है भाई, खतरनाक रश है। फाइनली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं पहुंच गया हूँ अनंतपुर साहिब, और जिस चीज को मैं इतने टाइम से सोच रहा था ना उस चीज के लिए मैं पहुंच चुका हूँ, होला मोहल्ला मनाने के लिए। बाकी चल के देखते हैं, वो सारी चीजें ना मैं आपको अपने नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। बाकी बता देता हूँ कि ये जो ट्रेन का सफर था ना, ये भैया मेरे को ना सारी जिंदगी भूलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा सफर मैंने पहली बार जिंदगी में करा। एक तो जनरल के अंदर, सेकेंडली 7 घंटे तक खड़े रहे, और खड़े भी कहाँ पे रहे, वॉशरूम के बाहर। भाई नाक सड़ गई मेरी पूरी की पूरी गंदी वाली, बैठने के लिए जगह नहीं मिली, धक्के धक्के मिलते रहे, बट चलो कोई चक्कर नहीं है। खुशी इस बात की है कि मैं अनंतपुर साहब पहुंच गया हूँ। तो इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा, मजा आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय 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 बाय।